हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जामपुर सीडीएस सीएपीएफ एफकैट। एग्जामपुर के सीडीएस सीएपीएफ एफकैट चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी जल्दी आप लोगों के कमेंट आने चाहिए, कौन कौन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। जय हिंद आदित्य जी, श्रीवास्तव जी, हेमा डोगरा जी, तनु कुमारी जी, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। भाई जल्दी जल्दी कमेंट करिए कौन कौन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। आज आप लोगों के हिस्ट्री के नॉलेज को परखा जाएगा। आज से हिस्ट्री के क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को ढेर सारे प्रश्न कराए जाएंगे, लेकिन वो आप लोगों के अवेलेबिलिटी के हिसाब से। प्रश्न बहुत ही अलग रहेंगे, ऐसे जो आपके एग्जाम्स में आने लायक हों उन प्रश्नों को कराया जाएगा। गुड इवनिंग अंकित वाकड़े जी, तो सारे लोग आ जाइए। अगर अभी तक नहीं आए हैं तो जो लोग है लाइक शेयर जरूर कर लीजिए सेशन को। सारे के सारे लोग अगर अभी तक नहीं किया है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। सारे लोग जिन लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है तो सारे के सारे लोग आ जाइए, यहाँ पर कमेंट करना शुरू कर दीजिए। भाई आप लोगों के लिए ये सीडीएस 1 2022 को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया है, और इसमें सीरियस 50 कोड इस्तेमाल करने पर आपको 999 रुपए की छूट मिल रही है। सेम कहानी ओटीए में भी है, ओटीए में भी आपको कोर्स प्राइस जो है वह 749 का है सीडीएस 50 कोड इस्तेमाल करने पर। क्यों ये कोर्स आपको लेना चाहिए वो समझिए। इस कोर्स को इसलिए लेना चाहिए क्योंकि 50 डेज में ही आपकी पूरी की पूरी तैयारी करा दी जा रही है। 50 दिन के भीतर भीतर ही पूरी की पूरी तैयारी आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। क्रैश कोर्स है ये, और वेल डिजाइंड है। पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए कि कहां कहां से प्रश्न पूछे गए हैं उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो बेहद अच्छे से डिजाइन है। ठीक, तो आपके लिए बेहद जरूरी कोर्स, अगर अभी तक परचेज नहीं किया है जरूर परचेज कर लीजिए। इसमें टॉपिक को कवर किया जाएगा लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के माध्यम से। 3 अलग अलग मोड है, इन पर कवर कर लिया जाएगा आपका सिलेबस, और इसको डिजाइन सीडीएस एग्जाम के एक्सपर्ट्स ने किया है। साथ ही क्लास में डाउट रिजोल्यूशन तुरंत किया जाता है। भाई इसको लेकर के एक बड़ा सा जो है यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आप लोगों को दे दूँ, ये इंस्टेंट डाउट रिजोल्यूशन को लेकर के क्लास में एक बच्चा डेमो लेने के लिए आज आया हुआ था। डेमो था, पहला दिन था, और मैं अशोका के ऊपर लेक्चर ले रहा था और मैंने कलिंग वार पढ़ाया, तो बोल रहा है कि सर कलिंग वार में एग्जैक्टली कितने लोग मरे हुए थे। मतलब आप लोग एग्जाम की तैयारी वाले प्रश्न पूछना तो ज्यादा बेहतर है। अब कलिंग वार में एग्जैक्टली कितने लोग मरे हुए थे, उनके नाम क्या क्या है, इस तरीके के प्रश्न जो है, ठीक है, इस तरीके के अभी प्रश्न अगर आप पूछ लोगे तो शायद ही कोई जवाब दे पाएगा, और किसी एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आते नहीं है। ये सिर्फ ऐसे लोग हैं जो तैयारी को लेकर के, क्या होता है ना कि एक दो प्रश्नों को लेकर के अपनी तैयारी का मोड ऐसा रखते हैं कि सारी चीजें जो है उनकी खराब हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है कि सारी चीजें खराब हो जाए, इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछने हैं। इंस्टेंट डाउट रिजोल्यूशन का यह मतलब नहीं है कि आप ये पूछो कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन मरा हुआ था, सबके नाम बताओ, कितने व्यक्ति मरे हुए। तो इंस्टेंट डाउट रिजोल्यूशन का सिंपल मतलब यह है कि टॉपिक रिलेटेड जेन्युइन प्रश्न जो आपके एग्जाम रिलेटेड है, कम से कम हम ये उम्मीद तो करें कि आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करने के लिए आ रहे हो, ऐसे दिखने चाहिए। ठीक, आज हिंदी इंग्लिश दोनों में रखेंगे, आपसे हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न रहेगा, सो डोंट बॉदर अबाउट द मीडियम। भाई आप लोगों को पढ़ाएगा कौन कौन, सुबह 8:30 बजे भारतीय राज व्यवस्था की क्लास ज्ञान सर लेंगे, उस्ताद जी डॉक्टर जुबैर एहसानी सर जनरल साइंस की क्लास आप लोगों को पढ़ाएंगे। मैं
डॉक्टर अभिषेक अजय सिंह आप लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास 1 बजे और शाम को 5 बजे कराऊंगा। 2 बजे शाम को नितिन मिश्रा सर आप लोगों को इंग्लिश की क्लास कराएंगे, दीपेंद्र सिंह सर आप लोगों को मैथमेटिक्स की क्लास कराएंगे और चंदन रोशन सर इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर की क्लास कराएंगे। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखे रहिएगा। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, हु अमंग द फॉलोइंग पाकिस्तानी सिटीजन इज अवार्डेड विथ भारत रत्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद इकबाल। किसे भारत रत्न दिया गया है? पाकिस्तान का नागरिक कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया है? जी हाँ, इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। कमेंट करें। गुड इवनिंग कविता जी। भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में है क्लास, कविता जी अभी तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोगों के उत्तर आने शुरू हो जाने चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट आने चाहिए आप लोगों के, फटाफट कमेंट करना शुरू करिए गाइस, देखते हैं कितनी जल्दी कौन आंसर देता है। तो आप लोगों के उत्तर तेजी से आने चाहिए और लाइक और शेयर जरूर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोगों के आंसर आने चाहिए, फटाक से आंसर करिए। चलिए भाई आंसर बता देते हैं, बिल्कुल सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान इज द राइट आंसर। आंसर जो है सी है, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगले प्रश्न पर आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग नोबेल प्राइज विनर वॉज नॉट एन इंडियन सिटीजन। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता भारत का नागरिक नहीं था? आपके ऑप्शन है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर। कमेंट करें, कौन भारत का नागरिक नहीं था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर। यहां तो बहुत सारे लोगों का गलत होने वाला है, ये तो मैं कंफर्म हूं कि अब जो है आप लोग गलत करना शुरू करोगे। अब जो है आप लोगों के गलतियां स्टार्ट हो जाएंगी, ये तो कंफर्म है। कमेंट करें। देखिए इजी प्रश्नों पर गलतियां अच्छी बात नहीं है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ये सीवी रमन के भतीजे हैं, लेकिन इन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दिया था, ये भारत के नागरिक नहीं थे। इन्होंने तारों के जीवन चक्र के बारे में बताया हुआ है और इनके लिए एक चंद्रशेखर लिमिट को भी कहा जाता है, जिसका नाम जो है वैल्यू जो है अगर हम देखें तो 1.4 एमएस होता है सूर्य के मास के 1.4 टाइम्स। इन्होंने ब्लैक होल बनने की घटना के बारे में डिटेल में समझाया है और ये भारतीय नागरिक नहीं थे। बाकी मदर टेरेसा थी तो मैसिडोनिया की, लेकिन जो है यह भारत आकर के भारत की नागरिकता ले चुकी थी। इनका एक्चुअल नाम इग्निस गोजा बोजाक्सियू था और यह भारतीय नागरिक थी। सीवी रमन जी भारत के नागरिक थे और रविंद्रनाथ टैगोर जी भी भारतीय नागरिक थे। सो आंसर इज ए, ए इज द राइट आंसर, गलत मत करिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, शांति निकेतन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। शांति निकेतन जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का विद्यालय है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है वर्धमान, बांकुरा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम। कमेंट करें गाइस, जल्दी जल्दी आपके कमेंट आने चाहिए। ठीक है,
कमेंट करें शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के कौन से जिले में स्थित है। कमेंट करें, लाइक शेयर जरूर करते रहे। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? भाई इतना सिंपल सा सवाल आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए। कमेंट करें। क्या हुआ? यहां पर ढेर सारे लोग गड़बड़ाना शुरू कर दिए। शांति निकेतन वीरभूमि डिस्ट्रिक्ट में है, सो डी इज द राइट आंसर। वीरभूमि पश्चिम बंगाल में स्थित है शांति निकेतन। अगला सवाल, जैमिनी राय थी वाज म्यूजिशियन पेंटर लिरिसिस्ट नन ऑफ द अबव। संगीतकार, पेंटर, गीतकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैमिनी राय क्या थे? जैमिनी राय क्या थे? क्या बात है, देखते हैं आप लोगों के जवाब। जैमिनी राय बड़ा नाम है। देखिए इस तरीके के सवालों को आज जो है, मैंने कहा ना कि जो सीरीज है बिल्कुल नए सवाल आएंगे इस बार, तकरीबन नए सवालों की एक पूरी की पूरी सीरीज जिसमें तकरीबन शामिल रहेंगे 1000 से ज्यादा सवाल। कोशिश यही है कि भाई आप लोगों को नए सवाल कराए जाए, ठीक, तो नए सवालों की पूरी सीरीज लेकर के। बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। पेंटर थे, एक बड़े पेंटर थे जैमिनी राय, और इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स मशहूर हैं। अगला सवाल देखते कौन आंसर देता है। द बुक वेनु शिप्ला बाय चित्राचार्य उपेंद्र महारथी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ आर्ट। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेनु शिप्ला निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ज्वेलरी, पेंटिंग, बाम्बू आर्ट्स, मार्बल कार्विंग, आभूषण, चित्रकला, बांस कला या संगमरमर की नक्काशी। कमेंट करें। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक का वेणु सिप्ला निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? कमेंट आप लोगों के आने चाहिए। भाई जल्दी जल्दी थोड़ा कमेंट करें। जी हां, बिल्कुल सही है। वेणु सिप्ला जी की जो ये चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक है वो बाम्बू आर्ट से रिलेटेड है, बांस की कला से संबंधित है। सो सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, द पेंटिंग ऑफ अवनिंद्रनाथ टैगोर हैज क्लासिफाइड एज। अवनिंद्रनाथ टैगोर के चित्रों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? रियलिस्टिक यथार्थवादी, सोशलिस्टिक समाजवादी, रिवाइवलिस्टिक पुनरुद्धारवादी
इंप्रेशनिस्टिक्स, प्रभाववादी। अवनींद्रनाथ टैगोर एक बड़े पेंटर हैं, इनके पेंटिंग्स को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? कमेंट करें। नहीं, थोड़ा फास्ट करने में बहुत सारे लोग हवा में उड़ जा रहे हैं, और फास्ट कर देते हैं। चलिए, यहां पर पुनरुद्धारवादी है, रिवाइवलिस्टिक है। थोड़ा तेजी से आंसर आप लोग दीजिए, जितनी तेजी से आंसर देंगे सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंडियाज फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, इंडियाज फर्स्ट 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चथन, भारत की पहली 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चथन, इंडियाज फर्स्ट इंश्योर्ड फिल्म ताल, भारत की पहली बीमाकृत फिल्म ताल, इंडियाज फर्स्ट एक्ट्रेस टू विन द भारत रत्न मीना कुमारी, भारत रत्न जीतने वाली भारत की पहली अभिनेत्री मीना कुमारी। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इतना आसान सा सवाल है, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी आप लोगों के कमेंट आने चाहिए इस पे। ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करें। कमेंट आप लोगों के जल्दी जल्दी आने चाहिए गाइस। देखिए, बहुत आसान सा सवाल, और इतने आसान से सवाल में भी एक दो लोगों का गलत। भाई, डी इज द राइट आंसर। इसमें जो है डी जो है वो सही नहीं है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला सवाल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार इज कॉम्बिनेशन ऑफ, संगीत वाद्यंत्र सितार किसका संयोजन है? बांसुरी एंड वीणा, बांसुरी एंड सारंगी, वीणा एंड तंबूरा, वीणा एंड पियानो। बांसुरी और वीणा, बांसुरी और सारंगी, वीड़ा और तंबूरा, वीड़ा और पियानो, किसका संयोजन है? कमेंट करें। सितार किसका संयोजन है? देखिए, वीणा और तंबूरा को मिला करके मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहने वाले अमीर खुसरो, वो अमीर खुसरो नहीं, अलाउद्दीन खिलजी वाले नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहने वाले अमीर खुसरो ने सितार वाद्य यंत्र का संयोजन किया, वीणा और तंबूरा को आपस में मिला दिया गया। सो सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कथक, बिस्मिल्ला खान शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम, अमजद अली खान सरोद। यह भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये ऐसा सवाल जो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट सबका सही होना चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट करें। कमेंट आप लोगों के जल्दी जल्दी आने चाहिए।
क्या बात है। नहीं, उस्ताद जाकिर हुसैन जी तबला बजाते हैं, हारमोनियम नहीं बजाते हैं। सो वाह ताज का प्रचार अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने किया हुआ है, तबला बजाते हैं। सी इज द राइट आंसर। अगला, फोक सॉन्ग हैज पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, लोक गीतों का सर्वोपरि महत्व है, फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक, मनोरंजन के लिए, संगीत के विकास के लिए, फॉर प्रिजर्विंग ट्रेडिशंस, परंपराओं के संरक्षण के लिए, फॉर लिवलीहुड, आजीविका के लिए। लोक गीतों का सर्वोपरि महत्व है, कमेंट करें। भाई कमेंट आने चाहिए आप लोगों के। ये तो ऐसा सवाल है जिसको थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग लगा दिया तो आंसर दे ले जाएंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहां पर आंसर दीजिए। थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे तो आंसर दे ले जाएंगे, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल। लोक गीतों का महत्व तो किसके लिए है? ये हमारी परंपराओं का संरक्षण करती हैं, परंपराओं के संरक्षण के लिए लोक गीत बेहद महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, विच वन ऑफ दीज सिग्निफाइज द फोक कल्चर, इनमें से कौन लोक संस्कृति का प्रतीक है? कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ मोर सिविलाइज्ड पीपल, अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक प्रथाएं, कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ अर्बन पीपल, शहरी लोगों की सांस्कृतिक प्रथाएं, कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों की सांस्कृतिक प्रथाएं, कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज के लोगों की सांस्कृतिक प्रथाएं, कौन सा लोक संस्कृति का प्रतीक माना जाता है? कमेंट करें, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर दे पाएंगे। जरा सा भी ध्यान हटा तो कहानी खराब हुआ। सो ध्यान कतई नहीं हटना चाहिए। कमेंट करें भाई, आप लोगों के कमेंट आने चाहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहे। क्या बात है, देखिए ढेर सारे लोगों का आंसर यहां पर गड़बड़ाता हुआ, ढेर सारे लोगों का आंसर गड़बड़ होता हुआ। कैसे गड़बड़ हो गया? देखिए, आम लोगों की बात करता है, लोक संस्कृति किसकी बात करेगा? तो कॉमन पीपल की बात करेगा, आम लोगों की बात करेगा। तो आम लोगों की जो प्रथाएं हैं वही लोक संस्कृति को बताएंगे कि आम लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या कर रहे हैं। ठीक, अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट बांसुरी, बिस्मिल्ला खान तबला, अल्लाह रखा खान सरोद, जाकिर हुसैन वीणा, कौन सा सही सुमेलित है? बहुत इजी सा सवाल है लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर दे पाओगे। बहुत ही इजी सा सवाल लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो दे पाओगे। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है? भाई आप लोगों के कमेंट आते रहने चाहिए। है ना, आप लोगों के कमेंट जो है आते रहने चाहिए। क्या बात है, इतने आसान से सवाल पर तो गलतियां नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। गाइस
जी हाँ बिल्कुल सही है, हरि प्रसाद चौरसिया जी जो है बांसुरी से रिलेटेड है। बाकी बिस्मिल्ला खान साहब सहनाई से, अल्लाह रखा खान साहब और जाकिर हुसैन साहब ये लोग तबला से रिलेटेड हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, पेपर केम टू बी यूज्ड इन इंडिया इन द, भारत में कागज का प्रयोग कब हुआ? 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कमेंट करें। एक सवाल उसमें यह भी है, एक ऑप्शन में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, कब जो है कागज का प्रयोग हुआ है? इसमें ई ऑप्शन भी है, और बहुत ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, तब उत्तर दे पाएंगे। कमेंट करेंगे इस। कमेंट करना शुरू कर दीजिए। अभी क्या कि आप लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़ते तो आंसर दे ले जाते, अगर आप लोग प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ते ना तो आंसर दे ले जाते, चूंकि प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया इसलिए आंसर सबका उड़ गया हवा में। आंसर कैसे उड़ा वो देखिए, इसमें पूछ रहा है प्रयोग कब कब हुआ, केम टू यूज्ड इन इंडिया इन द, भारत में 9वीं सदी में पहली बार कागज आता है, ऐसा एल बेरूनी लिखता है। सो उपरोक्त में से कोई नहीं के कारण ई इज द राइट आंसर। एल बेरूनी आता है वो भी लिखता है कि भारत में कागज का प्रयोग हो चुका है। सो ई इज द राइट आंसर। अगला, हु रोट द बुक नेम्ड बैगा, बैगा नाम से पुस्तक किसने लिखी है? एस सी रॉय, डी एन मजूमदार, वेरियर एल्विन, एच रिजले। बैगा नाम से पुस्तक किसने लिखी है? आंसर को बुलवाओ है। कमेंट करें। बैगा नाम से पुस्तक किसने लिखी है? एस सी राय, डी एन मजूमदार, वेरियर एल्विन, एच रिजले। कमेंट आने चाहिए आप लोगों के। चलिए आप लोगों को आंसर बता देते हैं। वेरियर एल्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक है बैगा। अगले सवाल पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज नॉट रिटेन बाय शरद चंद्र, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास शरद चंद्र द्वारा नहीं लिखा गया? चरित्रहीन, रंगभूमि, श्रीकांत, शेष प्रश्न। कौन सा शरद चंद्र का नावेल नहीं है? ये तो आसान सा सवाल है। ये तो बेहद आसान सा सवाल है, इस पर तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। इतने आसान से सवाल पर तो गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए आप लोगों को आंसर बताते हैं। भाई रंगभूमि ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। ठीक है, रंगभूमि ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, शरद चंद्र जी का नहीं। सो बी इज द करेक्ट वन। अगले सवाल पर आते हैं।
व्हाट इज द नेम ऑफ राइटर ऑफ नौकर की कमीज? नौकर की कमीज के लेखक का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ला, भवानी प्रसाद मिश्रा, प्रभाकर शुक्ला। कमेंट करें। नौकर की कमीज के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ला, भवानी प्रसाद मिश्रा या प्रभाकर शुक्ला? कमेंट करें गाइस, आप लोगों के कमेंट आते रहने चाहिए। कमेंट आने चाहिए आप लोगों के। जी हाँ, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। विनोद कुमार शुक्ला जी की पुस्तक है ये, और काफी चर्चा में रही है ये। विनोद कुमार शुक्ला की पुस्तक नौकर की कमीज काफी चर्चित पुस्तक है। बी इज द राइट आंसर। अगला, हु वाज द राइटर ऑफ नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड? डेविड कॉपरफील्ड उपन्यास के लेखक कौन थे? थॉमस हार्डी, चार्ल्स लैम्बे, चार्ल्स डिकेन, थॉमस मन्नू। थॉमस मैन, थॉमस हार्डी, चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स डिकेन्स कौन थे उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के लेखक? उपन्यास है डेविड कॉपरफील्ड, इसके लेखक कौन है? कमेंट करना शुरू करिए गाइस। क्या बात है मुझे नहीं पता ऑप्शन में होना चाहिए। अच्छा, लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा सेशन को, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए सारे लोग। मैं कमेंट आने चाहिए, क्या बात है। जैसे ही सवाल आता है कई लोगों के कमेंट रुक जा रहे हैं। तो आसान सा सवाल था, डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस का एक बहुत चर्चित नॉवेल है, चार्ल्स डिकेंस का। सो सी इज द राइट आंसर, चार्ल्स डिकेंस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी सेड गांधी मे बी डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉर एवर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा के लिए रहेगा? रामगढ़ सेशन 1940, रामगढ़ सत्र 1940, लाहौर सेशन 1929, लाहौर सत्र 1929, कलकत्ता सेशन 1928, कलकत्ता सत्र 1928, कराची सेशन 1931, कराची सत्र 1931। कब गांधी जी ने कहा है कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा के लिए रहेगा? बहुत पॉपुलर प्रश्न है और सबका जो है सही होना चाहिए। इतने पॉपुलर प्रश्न पर तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। बेहद पॉपुलर सा प्रश्न और कई बार आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है, अलग अलग एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा गया है। जी हाँ, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, कराची सेशन 1931, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, द फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट गवर्नमेंट इन केरला वॉज फॉर्म इन?
केरल में पहली कम्युनिस्ट राज्य सरकार का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 1953, 1953, 1955, 1955, 1957, 1957, 1959, 1959 1959 1959 1959। कमेंट करें। केरल में पहली कम्युनिस्ट राज्य सरकार का गठन कब किया गया था? क्या बात है, ढेर सारे लोग आज गायब हो रहे हैं, आंसर बिल्कुल सही नहीं आ रहा है। आंसर बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत क्या आ रही है, क्यों इतना गलत आंसर आ रहे हैं? ऐसे सवालों पर तो सबके आंसर होने चाहिए थे सही। हाँ, चार के चारों ऑप्शन लगा दो, किसी न किसी एक का सही रहेगा। तो आप लोग जो चारों ऑप्शन लगाने वाला कर रहे हो कि चलो भाई किसी न किसी का तो सही रहेगा, चार का चारों लगा देते, ये भी ठीक बात नहीं है, है ना? ये तो और कतई ठीक बात नहीं है। अच्छा, गूगल पर जा रहे हैं पहले और फिर यहां आ रहे हैं। अनी जी का कहना है कि सर आपके प्रश्न देखने के बाद पहले गूगल पर जा रहे हैं फिर यहां आ रहे हैं और तब आंसर दे रहे हैं। नहीं भाई, गूगल नहीं करो यहां पर, एग्जाम हॉल में कैसे गूगल करोगे? यहां तो गूगल कर लोगे मान लो, एग्जाम हॉल में गूगल कैसे करोगे? 1957 इज द राइट आंसर। 1957 में पहली कम्युनिस्ट राज्य सरकार का गठन केरला में हुआ था, सो सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। रजनी पाम दत्ता से, रजनी पाम दत्ता ने कहा, दे बोथ फॉट एंड कोलेबरेटेड विथ इंपेरियलिज्म, वो दोनों साम्राज्यवाद से लड़े और सहयोग किया। Which political grouping was he referring to? वो किस राजनीतिक दल की बात कर रहे थे? आपके ऑप्शन है द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, द स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, और ई ऑप्शन भी है, नन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बहुत सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। किस राजनीतिक दल के बारे में ऐसा कहते हैं? कमेंट करें। फोन में से निकल करके कान के नीचे एक एक लगाओ है। क्या बात है, ढेर सारे लोगों का गलत होता हुआ। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज, गांधी और कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि दोनों साम्राज्यवाद से लड़े और सहयोग किया। गांधी जी कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। गांधी जी 1924 के बाद कांग्रेस को छोड़ दिए, जब उनका विरोध सुभाष बाबू के नेतृत्व में एक बार हो गया तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। हालांकि नीतियां वही बनाते थे, तय वही करते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। और रजनी पाम दत्ता इसके बारे में कहते हैं, दे बोथ फॉट एंड कोलेबरेटेड विथ इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद से लड़े भी और सहयोग भी दिया, दोनों काम किया है। तो कांग्रेस ने सरकारें भी बनाई हैं, तो लड़ाई भी की है और कांग्रेस का साम्राज्यवाद को सहयोग भी किया है, दोनों काम किया है, ऐसा रजनी पाम दत्ता कहते हैं। अगला,
टू कंट्रोल द मीडिया इन एक्ट वेयर पास्ड इन, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम पारित किए गए थे, कब कब? 1835, 1867, 1878, 1908, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 1854, 1864, 1872, 1910। तीसरा ऑप्शन 1854, 1872, 1908, 1910। चौथा ऑप्शन 1867, 1908, 1910, 1919। बहुत सोच समझ करके जवाब दीजिएगा, ये तो तुक्का वालों का ही सही होने वाला है। मतलब ये कंफर्म हूं कि जो तुक्का लगाएगा वही सही करेगा, ये तुक्का वाले ही सही करेंगे, जनरली सही नहीं करेंगे मुझे मालूम है। कमेंट करते रहे। कमेंट आप लोगों के आते रहने चाहिए भाई। 1835 में प्रेस को लेकर के एक्ट आया है, 1867 में प्रेस को लेकर के एक्ट आया है, 1878 में आया है, 1908 में आया है, तो ये ध्यान में रखे रहिएगा। हाँ बिल्कुल सही है कि नहीं पता है तो कमेंट करो, आंसर बताया जाएगा, ऐसा थोड़े नहीं है कि आंसर नहीं बताया जाएगा। 1835 में आता है, 1867 में, 1878 में और 1908 में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक्ट लाया गया। अगर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी आपके दिमाग में रहता है ना 1878 का, तब भी आंसर लगा देते, एक ही ऑप्शन में 1878 है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेथन द वायसराय अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाई सब्स्टिट्यूटिंग पोर्टफोलियो। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कारपोरेट कामकाज के लिए पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली को प्रतिस्थापित करके अपनी कार्यकारी परिषद पर वायसराय के अधिकार को मजबूत किया? आर डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर कॉरपोरेट फंक्शनिंग, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अगर आप लोगों ने हमारी पूरी क्लास जो मैंने आपको कराई हुई है मॉडर्न इंडिया की, राजीव अहिर साहब की किताब, अगर उसको किया होगा तो इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे ले जाएंगे। अगर आप लोगों ने वह कोर्सेस किए होंगे तो आसानी से उत्तर दे ले जाएंगे। नहीं तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग अगर क्लास किए हैं जो लोग, वह कन्फर्मली उत्तर दे ले जाएंगे। क्या बात है, ढेर सारे लोगों का आंसर यहां पर गलत होता हुआ याद ही नहीं आ रहा था। जी हां, जब भारत में 1857 का रिवोल्ट हुआ तब बड़े पैमाने पर प्रशासनिक परिवर्तन किया गया। 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, 1861 का जो भारत शासन अधिनियम आया, परिषद अधिनियम आया, उसमें वायसराय के अधिकार को कार्यकारी परिषद पर प्रभावी बना दिया। सो ए इज द राइट आंसर। आप लोगों के लिए सीडीएस 1 2022 का सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया है। इसका प्राइस
1999 रुपए है, लेकिन ऑफर के तहत यह सिर्फ 999 रुपए में है। इसके लिए आपको सीडीएस 50 कोड का इस्तेमाल करना है, 50% ऑफ आपको हो जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर्ड प्लान्ड वे में, क्लास के पीडीएफ, सब्जेक्ट वाइज ईबुक, डेडिकेटेड डाउट सेशन एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा दिए जाएंगे। साथ ही सीडीएस ओटीए 1 2022 को ध्यान में रखते हुए भी सिलेक्शन बैच क्रैश कोर्स लाया गया है, सिर्फ 749 रुपए में अभी मिल रहा है सीडीएस 50 कोड इस्तेमाल करने पर। इस कोर्स की खास बातें जान लीजिए, 50 दिन का ये क्रैश कोर्स है, 50 डेज का, जो सीडीएस 1 2022 एग्जाम को ध्यान में रख करके। इसमें पिछले 5 वर्षों के आधार पर सिलेबस को डिजाइन किया गया है, टॉपिक सारे के सारे कवर किए गए लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के माध्यम से। ये सभी सीडीएस एग्जाम एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन किए गए हैं और इंस्टेंट डाउट रिजोल्यूशन आपका टॉपिक रिलेटेड किया जाता है। इसमें आपको ज्ञान सर 8:30 बजे सुबह पॉलिटी की क्लास पढ़ाएंगे, डॉक्टर जुबैर एहसानी सर जनरल साइंस की क्लास, मैं 1 बजे हिस्ट्री की क्लास, नितिन सर आप लोगों को 2 बजे इंग्लिश की क्लास, 3 बजे मैथमेटिक्स की क्लास, 5 बजे फिर ज्योग्राफी की क्लास, और चंदन रोशन सर रात को 9 बजे इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर की क्लास कराएंगे। तो ये जो है क्लास टाइमिंग है, इनको जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिए। लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा सेशन को, सारे के सारे लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पास में बेल आइकन बटन दिखेगी उसको जरूर पुश कर दीजिए ताकि अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको जाते रहे। आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे गाइस। बाय बाय, जय हिंद ऑफिसर्स।